नमस्कार, सृजन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले भारतीय उच्चायोग, कला एवं संस्कृति मंत्रालय ICCR के अंतर्गत IGCIC केंद्र द्वारा आयोजित भारत सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक कार्यक्रम रहा। ये पूरे देश में हर जगह आप देखते रहे, उसमें सम्मिलित होते रहे और इस कार्यक्रम को साकार बनाने के लिए भारत से कई कलाकारों को आमंत्रित किया गया जिनकी प्रस्तुतियां हुई हैं यहां पर। आज हमारा जो विषय है वह काफ़ी रोचक है, कथक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और कथक के क्षेत्र से ही एक ऐसे महारथी को आपके साथ परिचित कराने जा रहे हैं। तो जुड़े रहें, हम लोग फिर से मिलते हैं। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है सृजन में। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि कथक के एक महारथी हमारे साथ MBC के स्टूडियो में हैं और उनका परिचय मैं देने जा रहा हूँ। आप हैं पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। थोड़ा सा परिचय आपके बारे में, आप प्रतिष्ठित संगीतकार हैं, धुनों के रचयिता हैं और कथक शैली के, जैसे मैंने कहा, महारथी है और काफ़ी रागों की लहरियों को के ज्ञाता हैं आप, और आपने अनेक प्रकार की शैलियां अपनाई, अनेक प्रकार के आपके कंपोजिशंस रहे, प्रकृति, झलक, पंचमुखी, अनादि अनंत, लंगागिकम और नृत्य रूपा, और ख़ासकर आप जयपुर घराने से हैं जैसे मैंने कहा, और आपकी कला को सराहा गया, भारत के अनेक केंद्रों से आपको पुरस्कृत किया गया, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड आपको 1991 में प्राप्त हुआ, और जो खास भारत के राष्ट्रपति दिवंगत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया गया आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2002-2003 में, और आप अभी कथक केंद्र में पढ़ाते हैं, गुरु हैं, आपको गुरु जी के नाम से पुकारे जाते हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है मॉरिशस में जी। और इसी भारत सप्ताह के अंतर्गत आप यहाँ पर हैं और आपकी प्रस्तुतियाँ हुई है। थोड़ा सा राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी इस कला की शुरुआत कहाँ से की और जयपुर घराना के साथ आपका क्या संबंध है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। जयपुर घराना एक परंपरागत नृत्य कला का, संगीत का, और बहुत आश्चर्य होता है जब, इसलिए नहीं कि मैं जयपुर से हूँ या जयपुर घराने से हूँ, राजस्थान की मिट्टी जो है अपने आप में ही कलाओं से बनी हुई मिट्टी कहा जाता है। हाँ। सुरीली मिट्टी, रंगीली मिट्टी। हाँ। क्योंकि उसके रंग और उसका स्वर और उसके नृत्य कलाएं और इन सब चीज़ों का एक बड़ा अच्छा सुंदर सा समावेश है हमारे इस परम्परा में। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जयपुर घराने की इस परंपरा में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता और वही मेरे गुरु थे स्वर्गीय कुंदनलाल गंगानी जी, जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की, और वो शिक्षा प्राप्त होने का एक अवसर ईश्वर ने ऐसा दिया कि जब मेरी आँख खुली तो मैं देख रहा था कि मेरे घर के प्रांगण में नृत्य की मुद्राएं हो रही है। उसी वातावरण में मेरा जन्म हुआ। और जब सुनाई देने लगा तो तबला बाजा या गायन सुनाई दे रहा था। अच्छा। तो वो जो स्थान था वो ऐसा था जहाँ मैंने इसको होते देखा और गुरुजी वहाँ घर में सिखाया करते थे। तो मैं करीब, मेरी जैसा मेरी माताजी ने बताया, क्योंकि वो तो बहुत छोटी सी आयु होती है, अल्प आयु में ही, करीब 3-4 साल की आयु में ही गुरुजी जब सिखाया करते थे तो मैं भी खड़ा हो जाता था। गुरुजी मुझे भी कहते थे तुम भी करो कुछ, एक बच्चा जैसे। अच्छा, करने लगता है। और वो 4 साल से आपने शुरू कर दी, और एक कुछ अवसर भी ऐसा आया कि जब मैं 5 वर्ष का था तो जोधपुर में मेरा जन्म हुआ, तो जोधपुर में ही एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें उन्होंने मुझे मंच पर भी मेरा कदम रख दिया। वो छोटे से कदम जो मंच पर पड़े तो मुझे उस पहली बार अपनी ज़िंदगी में महसूस हुआ कि आज जो हम कुछ करते हैं उससे कुछ अलग हो गया है। क्या बात है। उस अलग ने मेरा शायद निर्धारित किया, तय किया कि मैं इस परंपरा को लेके अब मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा। ये
लेकिन ये कुदरत की बात है, तब इतनी समझ नहीं होती यार. एक बच्चा है तो बच्चे को लगता है कि बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा. लेकिन दिन पर दिन जैसे गुरुजी शिक्षा देने लगे थे, उनको भी शायद ऐसा लगा कि हमारी इस परंपरा को आगे बढ़ाना है तो किसके कंधे पे ये जिम्मेदारी डाली जाए. गुरुजी ने उस तरीके से और उस पूरे शक्ति से शिक्षा का मेरा मार्ग प्रारंभ किया. बहुत अच्छा. और फिर विधिवत रूप से आपकी शिक्षा होती है और आप 1982 में पढ़ते हैं, सीखते हैं विधिवत रूप से. जी जी. उसके बाद हम दिल्ली आ गए थे. अच्छा. तो दिल्ली आके हम लोगों ने, गुरुजी ने मुझे विधिवत जैसे एक परंपरा की शिक्षा दी. खुशकिस्मती ये रही कि उस परंपरा की शिक्षा के साथ साथ एक जो एक इंस्टीट्यूशनल शिक्षा होती वो भी साथ शुरू हो गई. अच्छा, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को कथक केंद्र में डिप्लोमा, मैंने दिल्ली कथक केंद्र से डिप्लोमा ऑनर्स. अच्छा, किया. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कथक में ही किया, लेकिन देख रेख गुरुजी की थी. हाँ, वही वहाँ गुरुजी भी वहीं सिखा रहे थे. हाँ, तो मुझे घर पे भी सीखने को मिल जाता था और कथक केंद्र में भी मिल जाता था. तो मेरी दोनों तरीके की शिक्षा गुरुजी की देख रेख में रही. जी जी. ये बहुत फायदे करा. और इस तरह से आपका एक अलग व्यक्तित्व सामने आता है और जिसको सराहा गया और खासकर नवाजा गया और सम्मानित भी किया गया. जी, जी. थोड़ा सा इस सम्मान के बारे में आप बताइए. इतने शीर्ष उच्च पद के सम्मान को प्राप्त करना आपकी कला के लिए कहाँ तक महत्वपूर्ण है? ये मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हमारे जो गुरुजनों ने जिस शिक्षा को दिया और जिस वातावरण को बनाया, क्योंकि परंपराएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए, क्योंकि वो परंपराएं हैं जो आपका परिचय देती है. जी. और कला उसे जीवित रखती है. कला उसे जीवित रखती है. तो वो जो बढ़ती हुई चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए मुझे लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ी. मुझे इसलिए मेहनत इतनी करनी पड़ी कि मैं घर में भी मुझे मतलब खाने पीने का ही मेरी माँ चिल्लाती रहती थी कि तुम कुछ खा लो. मुझे ध्यान ही नहीं रहता था, मैं अपने नृत्य ही करता रहता था, रियाज करता रहता था और खूब अभ्यास करता था. फिर केंद्र में चले जाते, सुबह 4-4 बजे उठ के मुझे अभ्यास करना होता था, क्योंकि गुरुजी हमेशा उनकी तुम अभी अभ्यास नहीं कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो तुम. और इसके लिए मैंने अपने किसी शौक़ को, किसी खेल को नहीं अपनाया. ये मेरा शौक़, ये मेरा खेल, ये मेरा खाना. तो यही कला, यही दुनिया है, यही संसार है, यही सब कुछ समाहित हो जाता है. ये संसार बनाया, चीजों को देखने की आवश्यकता नहीं. तो इसीलिए वो शायद ये इतनी कम आयु में एक ईश्वर ने एक मुकाम तक पहुंचाया. और सम्मान तो मुझे लगता है कि ईश्वर की देन है. और कोशिश मेरी अपनी है कि मैं अभी भी जो इस कला की सेवा के लिए समर्पित हूँ. आपसे एक सवाल पूछा गया कि अच्छा मनुष्य और कला के बीच क्या संबंध है, थोड़ा सा उस पर आप विस्तार दीजिए. क्योंकि आपके स्वभाव से, आपके आपके मुख के, आपके आकृतियों से, आपके बोलने के ढंग से लगता है कि आदमी बहुत अच्छा है अंदर से. कला का इसमें सहयोग है? कला का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि जब जैसे कहते हैं ना कि आपको ईश्वर कोई गुण देता है तो वो गुण ज़मीन पे देता है. तो ऐसा कहते हैं ना कि परिंदों को भी पता है कि आसमान में घर नहीं होते. सही है, सही. तो हम अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से और इंसानियत से जितने अच्छे जुड़ते हैं, क्योंकि हम जब कला प्रस्तुत करते हैं तो हम कला की प्रस्तुति दर्शकों को देते हैं जी. या रसिकों को देते हैं जी. अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप में वो गुण नहीं है, और आप में वो गुण नहीं है तो आप में वो रस ही नहीं है. बहुत सही. रस की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब आप में अच्छा, एक अच्छा फल कैसे रस दे सकता है? सही है. जब वो इतना मीठा हो जाता मीठा है. मीठा हो. हाँ. और उसका प्रभाव पड़ता है दर्शकों पर. दर्शकों पे पड़ता है, वो मीठे हो जाते हैं कि उनको उनको उतनी. जब भी मैंने देखा कि जब मैं नृत्य मंच पर कर रहा होता हूँ, मैं खुद भी और जो अच्छे हमारे देखने वाले दर्शक होते, चाहे देश के दर्शक हो चाहे विदेशी दर्शक हो, वो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे में मिल जाते हैं कि उतना समय पता नहीं लगता कि बाहर क्या हो रहा है, कौन अलग है और बाहर क्या हो रहा है. अभी हम एक सूत्र में हैं, एक धागे में.
और इसके लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है, ईमानदार होना चाहिए और कोई दिखावा नहीं, केवल कला हो। सही है। तो राजेंद्र जी, हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा बताएं इतिहास कथक कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, थोड़ा सा मतलब एक हल्का सा परिचय, फिर उसके बाद जी जारी। ऐसा कहते हैं, इसके लिए एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ। जैसे हमारे जो बोल है कथक की शब्दावली है या कथक में जो इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग होते हैं उन सब के कॉम्बिनेशन से जैसे बना, मान लीजिए एक छोटा सा सुना रहा हूँ, गंग गंग गणपति गज मुख मंगल। अब गंग गंग गणपति हमारे गणेश जी है, अच्छा। और उनका जो मुख है गजमुख है वो मंगलकारी है, अच्छा। और उनकी सवारी गिटे गिड़े मूषक की सवारी करते हैं, तो ये शब्दों को ऐसे गिटे गिड़े थुन थुन मोदक लेते हैं, अच्छा। तत्थे वो खुद इसका ग्रहण करते हैं गणेश जी। फिर ये ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि जय जग वंदन, पूरा जग आपको वंदन करता है, आपकी वक्र सुंड कितनी प्यारी है, धानी धाता आप विघ्न को दूर करके धन धान बढ़ाते हैं, विघ्न हरण शुभ करण, जैसे अपना अगर निमंत्रण मंगलाचरण करते हैं और अगर विवाह वगैरह कुछ है तो पहला निमंत्रण गणेश जी के आगे रखा जाता है, तो विघ्न हरण कर देना प्रभु और शुभ करण कर देना, अच्छा। धागे ने धागे धूमकेट थड़ुंग थड़ुंग ददिगने थे, थड़ुंग थड़ुंग ददिगने थे, थड़ुंग थड़ुंग ददिगने थे, उनकी सूंड जब उठती है वो जब बोलते हैं तो थड़ुंग ऐसी आवाज आती है। तो इन सब चीजों को लिया, इन सब चीजों को कैसे लिया, इस कला का प्रारंभ कहते हैं मंदिरों से हुआ, कथक। हाँ, तो मंदिरों में ये नृत्य किया जाता था और ऐसा कहते हैं हमारे पूर्वज के ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में जब आरतियां वगैरह होती तो इसका नाम है कथा कैसो कथक कहला है, जैसे अच्छा। मैंने अभी बोला कथा के जरिए कथा, तो ये गणेश का परण कर इसको नाम अच्छा। दे दिया परण। और अगर कोई आप मान लीजिए कोई मैथोलॉजी स्टोरीज लेते हैं, उनकी कथाओं को लेते हैं, तो उनका मंचन करते वक्त थोड़ा सा नृत्य, थोड़ा सा भाव, थोड़ा सा उनकी मान लीजिए उनके शब्दावली के साथ भजनावली कर लेते हैं या वंदनाएं कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों का जो समावेश होके करते हैं तो उससे इसका प्रारंभ हुआ। धीरे 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 ये टर्न होता गया क्योंकि इसने बहुत डेवलपमेंट की नृत्य ने अपने आप में और ये परफॉर्मिंग आर्ट बन गया, अच्छा। कथा से मंदिर से और ये मंदिर से मंच पे पहुंच गया, मंच पे और मंच से ये जैसे कि और आगे विकसित होता, होता जाए। तो ये इसका छोटा सा परिचय है। तो इसमें कथक में व्यक्ति को क्या चाहिए, इसमें बोल हैं जैसे आपने कहा जी, जी, जी। और ये बोल ये नृत्य के कथक के बोल हैं, तबला के बोल कुछ अलग होते हैं, नहीं पखावज के बोल तबला के बोल भी मिलते हैं, जैसे थुड़ंग थुड़ंग कहने तो ये पखावज में से निकलता है, और पखावज एक वो वाद्य है जिस वाद्य के बाद तबला आया, अच्छा। पहले पखावज होती थी मृदंग, मृदंग तो साउथ में मृदंग, हमारे नॉर्थ में पखावज कहते हैं इसको। तो उसके जो बोल हैं वो बोल जो धा धेटे धा धेटे 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 धा, अच्छा। तो जो हैवी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं परन, अच्छा। और जो तबले के बोल आ जाते हैं गेदे धा, तो तबले में क्या हुआ कि पखावज में पूरी हाथ की थप्पी से बजाते हैं, मैंने पखावज भी सीखी, अच्छा। हमारे गुरु उस पर आपके पकड़ है, पखावज हारमोनियम हारमोनियम तबला पर, और तबला भी सीखा क्योंकि गुरुजी तबला बजाते थे जी, जी। तो पखावज तो पूरी हाथ से और कम फिंगरिंग होती है, तबले में फिंगरिंग बहुत आसान है, तो ये ना पखावज और तबले से उंगली से करते हैं, तो उंगली से उसमें ऑल और बोलों का बढ़त हो गया, अच्छा। तो तबला पखावज दोनों एक कथक नृत्य के वाद्य में मेन आ गए, अच्छा अच्छा। और इसकी भाषा मतलब अपने आप में भव्य है, बहुत बड़ी भव्य मतलब है, संगीत की बिल्कुल जब लोग सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि आपकी अच्छा हम लोगों को ना कथक को क्योंकि कथा कहते हैं ना, तो हम लोग तबले पखावज के बोल जब नृत्य में करते हैं तो उनको खुद भी बोलते हैं माइक पे, बाकी डांस फॉर्म में नहीं बोला जाता, अच्छा। हमारी इस परंपरा में बोला जाता है क्योंकि कथा है, तो हम अगर परन कह रहे हैं तो वो भी हमारे लिए कथा है, तोड़ा कह रहे हैं तो कथा है, और अगर तिहाई लड़ी भी कर रहे हैं तो वो भी एक कथा है, तो उसको लय के भाषा में कहें या तबले पखावज के जो धातेटे 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 धागेते ना के ना कायदा बोलते हैं धा धटे 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 धा, तो ये पखावज के बोलों का चलन हो गया, अच्छा। इन सबको नृत्य में उतारते हैं, अच्छा। तो आप मतलब नृत्य करते हैं और बोल भी और साथ में वाद्य यंत्र भी जी। एक वीडियो मैंने देखा जाकिर हुसैन साहब है और काफी उसके बारे में बताइए तो वो भी बहुत मजेदार है,
बहुत अच्छा है क्योंकि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब तबले के बेताज माइस्ट्रो है और तो दिल्ली में ये 2 साल पहले ये कार्यक्रम हुआ और आई एम ग्रेटफुल के वो आए और श्री फोर्ट बड़ा ऑडिटोरियम है दिल्ली का, करीब 2000 की कैपेसिटी में भरा हुआ था वो और हम दोनों की जुगलबंदी हुई और वो उनके साथ नृत्य करना एक अपने आप में एक 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 अलग आनंद है क्योंकि वो तबले के बादशाह हैं और वो एक तरीके से इतना सुंदर नृत्य के साथ संगत करते हैं कि उसका जो मज़ा आता है उसका आनंद आता है। जुगलबंदी हुई हमारी, बहुत प्यारी जुगलबंदी हुई और करीब 2-2.5 घंटे का इतना लंबा प्रोग्राम, शायद 2.5 घंटे से ऊपर हम दोनों ने नृत्य तबले में के साथ किया, बहुत मज़ा आया। एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सृजन के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे अतिथि के रूप में पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी। तो थोड़ी देर पहले हम लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे कथक के बारे में, थोड़ा सा बताइए कि कथक में जो भाव भंगिमाएँ और ये सारा कुछ होता है, बोल भी और नृत्य आप करते हैं, इसका संबंध आप कैसे फिल्मों के शास्त्रीय संगीत के साथ या जोड़कर थोड़ा सा बताइए उस पहले क्या होता था कि क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन डांस है, उत्तर भारतीय का शास्त्रीय नृत्य है और हमारे जो पिक्चरें हैं और सिनेमाज उस वक्त के हुए हैं तो शुरू से मुझे लगता है कि गायन और नृत्य का उसमें बहुत प्रयोग किया गया है। और आपको मैं बताऊं कि आज जो ये बहुत पुराने दशक में हमारे दो बड़े मेरे पापा मेरे गुरुजी के कज़न होते थे, हीरालाल सोनलाल जी। अच्छा। जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे उस वक्त, जब ये वैजंती माला जी, वहीदा रहमान जी। अच्छा। का जो दौर था पिक्चरों का उस वक्त, तो उन्होंने बड़ी कोरियोग्राफियाँ उन्होंने शुरू की थी पिक्चरों में, हीरालाल सोनलाल जी। अच्छा। बड़ी बड़ी कोरियोग्राफियाँ जो उस वक्त आती थी, दिलीप कुमार साहब, ये सब, इन सबको उन्होंने बहुत पिक्चरों में, वहीदा रहमान जी, वैजंती माला जी, रहीम और इवन अपने जो उस दौर के मीना कुमारी जी रहे, इन सबको हमारे जयपुर शैली के रहे, जैसे ये पाकिजा फिल्म में भी कराए, गौरी शंकर जी थे। अच्छा। वो भी हमारे जयपुर शैली से थे। तो तीनों शैलियों के कलाकारों ने बॉलीवुड में कहें कि कार्यक्रम भी देते थे और पिक्चरों के कई कलाकारों को नृत्य की शिक्षा देते थे, इवन उनको पिक्चरों में भी उनका डायरेक्शन होता था। फिर एक कुछ पिक्चरों में कुछ रहे आदरणीय पंडित लच्छू महाराज जी, जो लच्छू महाराज जी थे वो लखनऊ घराने के थे, उन्होंने भी काफ़ी पिक्चरों में दिया। और एक रहे आदरणीय हमारे बनारस घराने के गोपी कृष्ण जी। अच्छा, उन्होंने तो इस कथक की पिक्चर के लिए मैं उनका एक योगदान मानूंगा, सही मायने में। आज वो नहीं है लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि वी शांताराम जी के साथ मिलके एक पिक्चर बनाई थी बहुत अच्छी, जनक जनक पायल बाजे। उस पिक्चर का पूरा बेस ही कथक था। अच्छा। पूरा बेस। और शांताराम जी जैसे डायरेक्टर आज उन्हें मुश्किल हो गए हैं क्योंकि इतना रिस्क लेना मुश्किल था कि एक कथक को ही लेके सिर्फ पिक्चर बनाई जाए। और इस पे गोपी कृष्ण जी ने इतना अच्छा नृत्य किया है उस पूरी पिक्चर को, कभी आप देखें तो वो हमारे ये कहना चाहिए कि क्लासिकल डांस के लिए समर्पित मुझे तो एक ही पिक्चर लगती है, बाकी सब में भी आया। जैसे महाराज जी ने भी बहुत अच्छा डांस दिया, देवदास में उन्होंने दिया, बिरजू महाराज जी ने आदरणीय, काये छेड़ छेड़ मोए गरवा लगा एक ठुमरी है और एक और अभी पिक्चर आई जिसमें मोए रंग दो ना करके दिया। पिक्चरों में आते हैं नृत्य के, तो कथक को जगह काफ़ी मिलती है। लेकिन ये है कि वो मंच से थोड़ा पिक्चर में जब आप जाते हैं तो उस कैमरे की दृष्टि से उसको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है उसका, थोड़ा सा होता है। पंडित जी, मैं अपनी अज्ञानता के लिए माफ़ी चाहूँगा लेकिन कथक जहाँ तक थोड़ी बहुत मेरी समझ है वो खासकर मतलब नारी या स्त्री से संबंधित है और पुरुष होने के नाते आप कथक शैली को अपना रहे हैं, कितना कठिन है हाव भाव की दृष्टि से और उसमें भी अपनी एक पहचान बनाए रखना,
क्षमा करें इस सवाल के लिए, लेकिन लेकिन मजेदार है, लेकिन ये मतलब आपकी जानकारी के हिसाब से आपका सवाल अच्छा है और रोचक भी है. रोचक इसलिए कि दर्शक ये वो होता भी है, लेकिन मैं सबको इस बात को लेके मैं सबको बताता हूँ कि जैसे शंकर भगवान है, नृत्य के देवता उनको माना जाता है, शिव को. जी जी ठीक है. तो नाट्य शास्त्र से शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू 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 बाजे. अब उन शिव के हाथ में डमरू ना, शिव नाच रहे हैं, आनंद के साथ नाच रहे हैं. और जैसे दूसरा परिचय देता हूँ, कृष्ण की बाल लीला का ना, कृष्ण सखा मिल गए ग्वालिन गर, हिरत फिरत जब देख लियो, तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो, और खाई ली दध की मटकी चटकी पटकी, और दूध को पी बिखेर दियो, पकड़ लियो राधा ने जब, तब ग्वाल बाल सब भाग गए, दधि खाए गए, देख नारायण ताल बजायक नाचन ला, किट थे तथे तथे तकिट थे तथे तथे तकिट थे तत्ता. तो कृष्ण छोटे हैं और इस छोटी सी कविता में ये मेरे दादा गुरुजी दादाजी के नारायण प्रसाद जी छोटी सी कविता में माखन लीला कह दी कृष्ण. ठीक है. तो अब शिवजी के साथ पार्वती जी नाच रही है, कृष्ण भगवान के साथ गोपियां नाच रही है, लेकिन पुरुष नृत्य तो है ना. तो वही चीज मैंने कोशिश की है कि उसको अत्यंत कोमल भावों को कैसे प्रदर्शित करना, मतलब पूरी तरह से तल्लीन होकर. ये शिव जी के जो भाव भंगिमा है वो मान लीजिए जैसे शिव जी के जब ये तो उनका अब अच्छा तांडव रौद्र तांडव जब वो करते हैं तब तो उन्होंने रौद्र तांडव तभी किया है जब कोई चीज गलत हो रही है उसको सही करना है. जी जी ठीक है ना. और जब सूक्ष्म भाव होते हैं वो नायिकाओं पे आ जाता है. ठीक है ना. तो नायिकाओं का जब भाव हम करते हैं ना तो जैसे मतलब ये नायिका है अब वो हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे वो कृष्ण को देख रही है तुम अच्छा। मुझे देखो एक ही है कृष्ण से देख के शर्मा रही है एक तो वह देखो तुम मुझे देखो, तो उसके लिए भाव हुआ और एक है कृष्ण को देखा और शर्मा गई. तो ये कोमल भाव है. आपके अंदर गहराई होनी चाहिए कि आप पुरुष होते हुए भी कलाकार वही होता है जो कि जो ना है वो उसको दिखा दे. सही है सही है. मतलब प्रेम और जितने सारे सूक्ष्म कोमल भाव है उसको गहराई से दिखा दे कैसे बिल्कुल गहराई से. और असल में आपका अभ्यास क्या होता है कि आप उसी भाव में जीते हैं ना. हाँ बिल्कुल. वो आपके लिए आप जब अपने आप को छोड़ दें और आप उस जैसे कहते हैं ना जैसे आपकी आत्मा है और आप इतने ध्यानस्थ हो जाएं तो वो आत्मा परमात्मा हो जाएगी. और मेरा अंतिम प्रश्न यही होगा कि मॉरिशस अभी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है तो इस संदर्भ में भारत और मॉरिशस के संबंध को कैसे आप पाते हैं कि कला के माध्यम से एक जुड़ाव है कैसे आपको. मुझे बहुत बहुत खुशी है और मैं भारत सरकार को और मॉरिशस सरकार दोनों को मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से करबद्ध धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संस्कृति मंत्रालय हमारे भारत सरकार संगीत नाटक अकेडमी और दिल्ली कथक केंद्र के तत्वाधान में हम लोग यहाँ आए और 50 वर्ष के इस कार्यक्रम के हम भी एक कड़ी बन गए इस तरीके से क्योंकि दो देशों और हमारा ये बड़ा जो रोचक संबंध है हमारा क्योंकि बहुत पुराना संबंध है इस देश के साथ तो विशेषता है और वो कल्चर से ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है. सही है. बाकी चीज़ें तो हम होते ही हैं लेकिन जब तक हमारी कल्चर खान पान और हमारी संस्कृति वो अगर एक दूसरे से और मजबूत करनी है तो उसके लिए और मजबूत संगीत नृत्य होने चाहिए जो हमारा स्थापित हो यहाँ के कल्चर डिपार्टमेंट IGCI. और मुझे खुशी है कि हमारी जो यहाँ के प्रतिष्ठा जी हैं वो यहाँ ये देख रेख कर रही हैं करण गंगानी यहाँ नृत्य सिखा रहे हैं तो ये हमारा जो डिपार्टमेंट है अंडर गवर्नमेंट हमारी एम्बेसी है और आप सब जैसे इतने प्यारे प्यारे लोग हमें मिल रहे हैं तो ये एक दूसरे से एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और ईश्वर करे क्योंकि कला और कलाकारों के ईश्वर भी सुनते हैं कि ये और मजबूत ठोस होते चले जाएं और हम इतने प्यार और इतने मार्मिक संबंधों में जिएं कि एक दूसरे के बिना भाषा के ही पहचान जाएं ये कौन है.
और दुनिया बेहतर हो जाए इसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी, आप उपस्थित हुए यहाँ पर और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को काफ़ी ज्ञान हुआ आपके बारे में और जयपुर घराना के बारे में और ख़ासकर कथक के बारे में बहुत जानकारियाँ मिली। तो यहाँ पर हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आज इस स्टूडियो में आके बहुत खुशी हुई विनय जी, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। और इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ICCR के अंतर्गत IGCIC इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, उनके डायरेक्टर प्रतिष्ठा जी को और उनके सभी स्टाफ को, कला एवं संस्कृति मंत्रालय को, भारतीय उच्चायोग को और MBC को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सृजन के साथ आप जुड़े रहें, हम फिर से मिलेंगे एक अगले कार्यक्रम, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।